हे एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैम ब्यूटी जो गाइस मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी टॉप फाइव बेस्ट पीयर प्रोडक्ट टू थाउजेंड में रिसीव हुआ था और हर साल के एंडिंग में या फर्स्ट मंथ में मैं लाती हूँ इस तरह की रिकमेंडेशन वीडियो बोल सकते हो आप लोग या कुछ इस तरह का वीडियो मैं लाती हूँ अगर मेकअप रिलेटेड वीडियो चाहिए तो बोल देना मैं उसका भी लेके आऊँगी ले एंड आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली मेरी स्किन केयर एंड हाँ कुछ अलग भी हो सकता है आई डोंट नो बट हाँ 2023 ट्वेंटी थ्री में मुझ, जो मुझे PR हुआ है, उनमें से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो मुझे बहुत पसंद है बहुत ज्यादा लेकिन अगर उन सब को मैं आप के साथ ना, ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं इतना नहीं चाहती यार इतना लंबा चौड़ा वीडियो मेरे जो टॉप फाइव प्रोडक्ट है वो है इसमें गैस गैस हल्का फुल्का आप लोग को दिखाई दे ही रहा होगा तो इसमें है मेरा टॉप फाइव प्रोडक्ट पर्सनली जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई रियली लव ये uh, सारी ही प्रोडक्ट्स मेरी सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है गाइस सो फर्स्ट मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ मेरी uh, फेवरेट फेस वॉश यस गाइस वैसे फेस वॉश मैं हर एक किस्म का यूज़ कर लेती हूँ लेकिन स्टिल जो मुझे फेस वॉश ज़्यादा पसंद आ रही है ना वो ऑबियसली ये है एम कैफिन का कॉफ़ी फेस वॉश और ये निया का और ये निया का स्किन और ये निया का स्किन केयर फेस वॉश जो मतलब इतना सही है ना गायस एंड एम केफे इनका फेस वॉश तो आप बोल ही सकते हो कि कितना अच्छा है इनका हर एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा है स्किन केयर का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है इनका हर एक प्रोडक्ट यूज़ कर चुकी हूँ पहले मैं इनका बॉडी स्क्रब यूज़ करती थी वो भी मुझे बहुत ही पसंद है लेकिन अभी यूज़ नहीं करी हूँ एंड uh, अभी मैं इनका फेस वॉश यूज़ कर ली और ये ना ख़त्म है ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही बाकी मैं यूज़ कर रिसेंटली ये निया का फेस वॉश यार क्या सही वाली फेस वॉश है गाइज मतलब इतनी ब्यूटिफुली फेस पे ग्लाइड करती है ना अगर आप देखोगे आ, मैं हर अगर मैं स्किन केयर दिखाती हूँ ना आप लोग को मेकअप के बाद का जो स्किन केयर दिखाती हूँ तो आप देख सकते हो कि मैंने निया का ये फेस वॉश यूज़ कर रखा है मतलब बहुत ही सही है गाइज बहुत ही यू नो लाइट वेट है आपकी फ़ेस को ब्यूटिफुल हाइड्रेट कर देती है आप जब फेस वॉश करते हो ना उसके बाद ब्यूटिफुली हाइड्रेट कर देती है आपको सो आई रियली लव नेक्स्ट अगर बात कर तो फ़ेस टोनर का तो फ़ेस टोनर तो मुझे मतलब बहुत सारा यूज़ है मतलब जो भी आता है वो भी मैं यूज़ कर लेती हूँ लेकिन रिसेंटली मैं यूज़ कर रही हूँ ये गुड वाइब्स का मलवरी ग्लो टोनर एंड या yeah, ऑर्गेनिक्स मिंट्रा का ये विटामिन सी स्किन टोनो ये दोनों ही मैं यूज़ कर रही हूँ इसको मैं नाइट टाइम यूज़ करती हूँ और इसको मैं डे टाइम यूज़ करती हूँ और इंडिविजुअली ने गाइज ये बहुत ही अपने अपने जगह पे ब्यूटीफुली काम करती है गाइज इतनी अच्छी है ना मैं क्या ही बताऊँ इनका आई थिंक मैंने कुछ शॉर्ट्स वगैरह भी आप लोगों के साथ शेयर किया है रील्स वगैरह आई थिंक मैंने शेयर किया है इंस्टाग्राम पे अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जस्ट गो एंड फॉलो मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक डाल दूंगी और यहाँ पे मैं अपना आई भी डाल दूंगी आप जब जाके सर्च करके देख सकते हो वहाँ पे मैं शॉर्ट्स वगैरह या रील्स वगैरह देती रहती हूँ हर छोटा छोटा हर एक प्रोडक्ट्स का ऑल्सो ये हार्मुल केमिकल फी टोनर ये ना आपकी स्किन की पी एच बैलेंस को मेनटेन एंड ऑल्सो ये एंटी एजिंग में भी काम करती है और आपके डैमेज सेल्स को प्रोग्रेस करने में भी हेल्प करती है सो जरूर ट्राई करना मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया एंड यू नो डेट गाइज बहुत सालों से आई थिंक मैं गुड वाइब्स का टोनर गुड वाइब्स का स्किन केयर प्रोडक्ट मैं यूज़ करती आ रही हूँ और नो डाउट कि इनके हर एक प्रोडक्ट कितने वैल्यूबल होता है कितना मतलब ऑर्गेनिक होता है सो बताने की जरूरत ही नहीं है ना कितना अच्छा काम कर उसके बाद तो मास्क या बामी बोल रहे हो तो वो मैं अभी रिसेंटली यूज करी हूँ तो वो मैं अभी रिसेंटली यूज करी हुई एन ब्यूटी का यन एन ब्यूटी का ये लिप पकर लिप पकर एंड लिप मार्क्स ये दोनों ही मैं यूज कर रही हूँ और कसम से यार कितनी सही वाली है इसका जो अम, ये क्या ये मतलब इतनी ब्यूटिफुली इसमें ना थोड़ा सा टेंट है नो डाउट इसमें आप देख सकते हो थोड़ा सा टेंट है ये आ, मतलब इतनी ब्यूटीफुली आपकी स्किन पे मतलब एब्जॉर्ब हो जाती है आपकी लिप्स को ब्यूटीफुली स्मूथ एंड आप जब वो फटते हैं ना तो उसको भी बहुत हद तक ये मतलब बहुत हद तक मैनेज करके रखती है एंड या नो no डाउट अगर आप जब भी आप लिपस्टिक वगैरह यूज़ करते हो ना उससे पहले बाम जरूर यूज़ करो मैंने आपके साथ ये इसका एक शॉर्ट्स भी डाला था उस टाइम पे मुझे आया था तो मैंने इसको रेगुलर अभी मैं यूज़ करी हूँ uh, फ्लैकी फ्री लिप्स हो चुकी है मतलब मैं डेली यूज़ करती हूँ सोने के टाइम भी यूज करती हूँ एंड मॉर्निंग नहाने के बाद भी मैं थोड़ा सा लिप मतलब लिप बाम यूज़ करके मैं कहीं पर जाती हूँ तो तब भी मैं लिप बाम यूज़ करके ही जाती हूँ जो सबसे ज़्यादा नीडी प्रोडक्ट था वो है मेरा मॉइस्चराइजिंग एंड नाइट क्रीम तो ये दो दोनों टेक आयुर्वेदा का ये दोनों मतलब मॉइस्चराइजिंग क्रीम ग्लो क्रीम एंड नाइट क्रीम यूज करी ट्रस्ट मी गाइस ये मैं इतना बेनिफिशियल प्रोडक्ट है लाइक क्यू टेक आयुर्वेदा के साथ मैं आई थिंक थ्री टू फोर टाइम काम कर चुकी हो एंड नो डाउट इनके प्रोडक्ट्स कितने ऑर्गेनिक होते हैं एंड या जो क्लेम करते हैं ना आपकी स्किन को एक मतलब एक स्मूथनेस एक ग्लो प्रोवाइड करती है ना या yeah, ऑब्वियसली ये ग्लो प्रोवाइड करती है और इसका जो ये ग्लो क्रीम है ना जिसपे आपको एस पी एफ ट्वेंटी मिलता है बहुत ही अच्छी है मतलब डे टाइम पर आप इसे यूज़ कर लो एंड या यू गुट टू गो मतलब इतनी मतलब सॉफ्ट हो जाती है आपकी स्किन हार्मफुल सनशे प्रोडक्ट नहीं है ना ऑल्सो ये आपकी स्किन को ब्यूटीफुल हाइड्रेट कर देती है मतलब ऐसा जब होता कभी कभी ऐसा होता है ना आपकी स्किन बहुत ही फ्लैकी फ्लैकी सा लगता है ड्राई सा लगता है तो जब भी आप इसे यूज़ करते हो ना ये आपकी स्किन पे ना एक कूलिंग सेंसेशन भी लाती है एंड ऑल्सो हाइड्रेटिंग भी प्रोवाइड करती है अगर हाइड्रेटिंग आपकी स्किन होती रहेगी ना तब ड्राई होने का कोई भी चांसेस नहीं होता है तो मैं इसको मतलब यूज़ करती करती हूँ पमर आदि नाइट क्रीम यूज़ करी हूँ और ये आपकी स्किन को ब्यूटिफुल मॉइस्चराइजिंग करती है लाइक ये आप नाइट टाइम पे यूज करो और नाइट टाइम पे मैं इसे ही यूज करी हूँ हम आपकी स्किन को रिजर्वेटिव एंड मॉइस्चराइज करने में ज़्यादा हेल्प करती है और आपकी फ़ेस को ना स्मूथ बनाने में ज़्यादा मॉर्निंग उठते हो ना आपकी फ़ेस जब आप टच करोगे ना ऐसा आपको स्मूथनेस फ्री होगा इतना स्मूथनेस फील होता है और ये ना एक यू नो you know, मॉइस्चराइजिंग बनी रहती है आपकी स्किन के ऊपर जब तक आप मुँह नहीं धोते तो आई रियली लव इट मैं मैंने बताया ना उसके बाद जब भी मेरी स्किन ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है तब मैं मियाँ का ये जेल क्रीम एक्चुअली मॉइस्चराइजिंग क्रीम ही होता है जेल क्रीम और इस पर ना आपको एस पी एफ फिफ्टी भी मिलता है uh, जब भी आप बाहर जाते हो जब भी आपको मतलब ठंड बहुत पड़ जाती है और बहुत डिहाइड्रेट हो जाती है आपकी स्किन यू नीड सो मच हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन तो यू कैन यूज़ दिस प्रोडक्ट गैट यू नेवर गॉट डिसअपॉइंटेड दिस प्रोडक्ट एंड मैं इसको अभी आई थिंक टू से थ्री मंथ अभी मैं इसे यूज़ कर रही हूँ बहुत ही सही आप इसका जेल uh, बेस आप देख सकते हो देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल आप देख सकते हो तो कितनी मुलायम है आप जब भी आप इसे अप्लाई करते हो ना ये आपकी स्किन पे तुरंत मतलब इमीडिएट आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाती है और आपकी स्किन को ना अच्छी तरह से एक मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करती है आप जब भी आपकी स्किन बॉडी ड्राई फ्लैकी हो जाती है ना आप जरूर इसे यूज़ करो जो प्रोडक्ट है जो मेरी मोस्ट ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट है जो मैं सोच रही थी कभी लूँगी 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 एट द एंड मुझे पी आर पे रिसीव हो गया एंड या uh, yeah, वो है ये स्विस ब्यूटी का सन स्विस ब्यूटी का सनस्क्रीन स्प्रे ये मुझे पी आर पे रिसीव होता था एंड आई आई एम शॉक लाइक ओ माई गॉड मैं इसको ना यूज़ कर करियो आई थिंक आपने मेरा आ, एक आ, वीडियो पे आपने देखा था मैंने ये बहुत ही ज़्यादा स्प्रे कर लिया था लाइक like, थोड़ा सा करना चाहिए तो मैंने बहुत ज़्यादा कर लिया तो ये इस तरह के एक सनस्क्रीन स्प्रे है जो आप अपने ऑल ओवर बॉडी पे आप अप्लाई कर सकते हो स्किन पे अप्लाई कर सकते हो लेकिन मतलब थोड़ा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ये काफ़ी है आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए सन से प्रोटेक्ट करने के लिए ये बेस्ड एंड बेस्ड है एंड उसके बाद भी मैं टेक का भी यूज़ कर रही हूँ एंड या वाव स्किन साइंस का भी मैं यूज़ कर रही थी एंड वो भी मुझे बहुत पसंद था एंड रिसेंटली मैं इसे यूज़ करती हूँ दिस इज़ लाइक मी सो आई रियली लव द तो ये हाईली रिकमेंडेशन पे आप जा सकते हो मैं इसको हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप इसे ज़रूर जरूर जरूर, जरूर, जरूर यूज़ करो गाइस स्विस ब्यूटी का न्यूर न्यूर uh, you know, बहुत ही न्यू न्यू लॉन्चेस प्रोडक्ट अभी यू नो लॉन्च बहुत ही प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है न्यूली स्किन uh, केयर बहुत सारा प्रोडक्ट्स लॉन्च हुआ है तो मैं भी सोच रही कि कभी लो या कभी मुझे पी आर पे रिसीव हो जाए आई डोंट नो बट हाँ इस बार मुझे पी आर पे कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स रिसीव हुआ है इस बार मैंने कोलाब्रेशन किया है टू टाइम मैंने कोलाबेशन किया है स्विस ब्यूटी के साथ सो आई रियली लव एंड प्राउड फॉर माई सेल्फ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का ये मेरा बेस्ट एंड बेस्ट पीअर प्रोडक्ट्स था जो मुझे रिसीव हुआ था और ये मुझे बहुत पसंद आया मुझे यूज़ करके ऐसा भी कुछ भी uh, कुछ भी टाइम ऐसा नहीं लगा कि मैं इनको स्किप करके अलग प्रोडक्ट यूज़ करूँ वैसा वाला सीन नहीं आया है बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे मैं जो यूज़ करी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किया है रिव्यू किया है उसके बाद वैसे का ही वैसा है पड़ा है लेकिन ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ना वो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करी और मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है सो so, मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर दूं क्योंकि हर एक साल पे मैं इस तरह का रिकमेंडेशन वीडियो लाती हूँ और ये मेरी है ना हाई एंड और ये मेरे हाई 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 हाँ, 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 रिकमेंडेशन प्रोडक्ट है जो आपको मैं सियोरली रिकमेंड कर सकती हूँ कि आप इसे यूज़ करो सो so, आप बताना सो so, आप लोग बताना कि आप लोग को कैसा लगा ये वाला वीडियो एंड अगर आप चाहते हो कि मेकअप का भी रिकमेंडेशन वीडियो में लाओ सो प्लीज कमेंट कर देना मैं ला दूंगी वीडियो कौन सी बड़ी बात है सो so, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर सी यू ऑल लव यू गाइज